अगला कंटेस्टेंट आ जाओ. हेलो. हेलो मैम. हाय, नाम बताएं आपका. अनिकेत चौहान. अनिकेत, ये आपने सॉक्स पहने? यस मैम. अच्छा, ऐसा कोई खास वजह है इसको ऐसा अलग अलग पहनने का? मैम, ये खास वजह बन गई थोड़े दिन पहले, क्योंकि एक कंपटीशन में गया था मैं जी, जिसमें बिल्कुल तैयारी नहीं थी मेरी, तो जल्दबाजी में मैंने जो हाथ में लगी सॉक्स में लेके चला और मैंने पहन ली वहाँ पे और मैं दो कैटेगरी में जीत गया. अरे वाह. तो मेरे को लगा शायद ये मेरा लक है. अच्छा जी, वेरी गुड. आज क्या लगता है? मैम, मेरे को लगता है कि आज ये भी सॉक्स काम करेंगे कि आप काम करोगे? दोनों काम करेंगे मैम. अच्छा, फिर ठीक है. ऑल द वेरी बेस्ट, लेट्स डू दिस. थैंक यू मैम. रोल साउंड प्लीज. ओके, जब से आप यहां पे आके खड़े हो, मैं एक बात कहना चाह रही हूं आपसे. वो कैप आप थोड़ा पीछे करेंगे प्लीज. देखो. अनिकेत, आई लव यू. थैंक यू सो मच सर, आई लव यू टू. आई थिंक मैं कह सकती हूँ कि अभी तक का मैंने देखा हुआ मेरे लिए ये बेस्ट परफॉर्मेंस था. आई रियली लव यू. Aniket, I think your stupendo fantabulously, phantasmagorically, magical. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. Aniket, I want to know कि आप कहाँ से सीखते हैं, क्या सीखते हैं? मैम, मैंने डांस सीखने के क्लासेस में बहुत ट्राई किया है, पर मैं सीख नहीं पाया. रीजंस की वजह से घर के, कि पापा फीस नहीं देते थे. ओके. क्योंकि ऐसे ही सिचुएशंस हैं कि फीस वो नहीं कर सकते अफोर्ड. तो मैंने कोशिश की कि मैं ऑनलाइन सीखूं. AIBT के सीज़न दो सीज़न थे, उसमें मैं देखता था कि क्या क्या हो रही है, हर एक हफ्ते में क्या क्या चीज़ें, नई नई चीज़ें दिख रही हैं. तो मैं उसको रिपीट करता था, घर में ड्रिल करता था. IBT के मंच को मैंने अपना, टीचर्स जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे बोलते हैं कि ये मेरी असली क्लासेज हैं, कि यहाँ से मैं हर हफ्ते सीखता हूँ. ये बात पूछूँ आपसे कि आपके मम्मी पापा करते क्या हैं? मैम, मेरे मम्मी पापा जो कपड़े होते डिजाइन वाले, हाँ जी, उनकी छोटी छोटी पोटलियां बनाते हैं घर में, जो पूजा वगैरह में काम आते हैं. ओ. फिर उसको सेल करने जाते हैं मार्केट.
पापा कपड़ा लेके आते हैं, मम्मी सिलती हैं, पापा काटते हैं, फिर पापा डोरी डालते हैं, मम्मी पैकिंग करती हैं, फिर पापा देने जाते हैं। तो जब सामान सप्लाई करने जाते हैं तो वो बाहर कुछ नहीं खाते हैं और वहाँ से थान उठाने पड़ते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, 10-10, 20-20 किलो हो जाता है। तो वहाँ पे पापा कूल ही नहीं करते, खुद कंधे पे उठाते हैं, जबकि उनको हेल्थ इश्यूज थे। थैला टांग के भागता था चांदनी चौक, कभी कभी पॉकेट में भी नहीं होता था बिल्कुल भी एक पैसा, 5 पैसे भी नहीं होते थे, ये भी दिन देखे मैंने। दिक्कतें परेशानी काफ़ी थी हमारे से, बिखरा हुआ समय था मेरा, मैं परिवार को तो नहीं कहता, जब मैं ही बिखरूंगा तो मेरा परिवार ही बिखरेगा, बिखरा समय था बहुत ज़्यादा। हर एक चीज़ में पैसे बचाने लग गए थे हम, क्योंकि रेंट पे हैं, उसमें किराया बढ़ता है हर साल, 1000 रुपये बढ़ता है, तो हम चेंज करना पड़ता है हमें घर। जब ये 11-12 साल का हुआ तो इसने कोई क्लासेस होते हुए देखी, तो ये ना छुप छुप के वहाँ पर क्लासेस देखता था डांस के, और शोज वगैरह के लगे होते थे बैनर्स वगैरह, वो पढ़ पढ़ के मुझे बताता था, मम्मी आप मुझे यहाँ भी जाना है, यहाँ भी जाना है। उस समय 500 रुपये फीस थी, तो मैंने कहा नहीं अभी नहीं सीखना, बाद में सीखना। बुरा लगता था कि हम उसकी जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे। तो पापा से पूछना चाहूँगी, आप सपोर्ट नहीं करते हो अनिकेत को? माँ बाप का तो सपोर्ट रहता ही है, लेकिन कर नहीं पाते हो। सर उस टाइम पैसा देना नामुमकिन सा हिसाब था, मतलब कि नहीं दे पाता। मैंने लाइफ में कभी पापा को रोते नहीं देखा, तो मैं माफी मांगना चाहूंगी उनसे। मेरा पूछने का वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब ये था कि बहुत बच्चे होते हैं जिनके पास उनके मम्मी पापा का सपोर्ट ही नहीं होता, उनके साथ ही नहीं होते हैं इस काम के लिए। आप यहां पे हैं उसके लिए मैं आपको खड़े रह के नमन करना चाहती हूँ कि आप ऐसे तो सपोर्ट कर ही रहे हैं अपने बच्चे को। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। अनिकेत बहुत होनहार है, ये आपको पता ही है। मैं कुछ भी नहीं बोल पा रहा इस वक्त। क्योंकि 7-8 साल से ये लगा हुआ है बचपन से। मैं पर्सनली आई हूँ माफी मांगने के लिए, आप इस तरह इमोशनल हुए मुझे अच्छा नहीं लगा। नहीं बचपन से बहुत मेहनत की, आज बड़ी मुश्किल से पहुंच पाए। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया।
तकलीफ झेली है ना, बड़ी मुश्किलों से यहाँ पहुंचे। आगे बढ़ाना चाहते हैं? हाँ, आप बढ़ाना चाहते हैं ना इसे, तो आप बताइए अब करना क्या है? आगे सपोर्ट है मेरा, बड़े आगे खूब तरक्की, खूब तरक्की करे, आपका यही मानना है तो पहला कदम आप ही बढ़ाइए इनका। Congratulations, Aniket. हम आपको बताना चाहते हैं कि ये शायद पहली बार हुआ है कि अनिकेत के परफॉर्मेंस के बाद डायरेक्टली हमारी एक बात हुई, और बात ये नहीं थी कि हमें इसे सिलेक्ट करना है। Congratulations, Aniket. Because we think, और हम तीनों की राय है कि we think you should be directly in the top 12. मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है, अभी मैं घर जाऊंगा, खाऊंगा, सोऊंगा, फिर सुबह बिलीव करूंगा इस चीज पे। अभी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं, निकल गया आंखों के आगे से। होता है। For all the best, you are amazing. God bless you. Best 12 का पहला कंटेस्टेंट मिल गया है, मुबारक हो। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.